दोस्तों, मैं फाजिल और मेरे साथ में करण, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं चैनल में। और आज की वीडियो में आप देख सकते हैं एक फैमिली बैठी है जो कि होमलेस है, और मुझे जहां तक पता है कि आई थिंक वो यहीं पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं। तो हम उस फैमिली की आज मदद करने वाले हैं, कुछ खाने के लिए सामान लाए हैं और कुछ मनी के द्वारा, पैसे के द्वारा कुछ उनकी मदद करेंगे जो भी हम कर पाएंगे। तो शिवम, आप दिखाना सामने, आप तो ये जो फैमिली है हम इससे मिलते हैं, चलिए आपको भी मिलवाते हैं। कैसी हो आप? ठीक है। आप, आपकी बेटी है? हाँ। तो क्या हुआ, मतलब मैं यहाँ पे, मैंने आपको ना कई बार, दो तीन बार देखा है, तब मैंने फाइनली सोचा कि मतलब मैं एक बार आपसे मिलूं। मैं क्योंकि यहीं पे रहती हूँ। हैं? मैं यहीं पे रहती हूँ। बैठ जाऊँ यहाँ पे? बैठ जाओ अभी। तो मतलब आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी, यहीं पे। जैसे तो रात को, मतलब रात को भी यहीं पे? रात को भी, दिन में भी यहीं पे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे तो एक तरीके का जंगल और रोड समझो आप यहाँ पे, तो आपको मतलब कैसे यहाँ पे परेशानी होती होगी काफी रात को सोने में? अब क्या करें भाई जी, बहुत परेशान है, तो परेशानी में हर एक मुसीबत को झेला जाता है। क्यों, आपके घर में जैसे कोई है नहीं कमाने वाला? या कमाने वाले हमारे हस्बैंड हैं, लेकिन उनकी कमर टूटी हुई है। अच्छा, तो ये, अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था, सेब का ठेला लगाते थे। अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था उनका। जब से हम, अब हमारे बच्चे इतने बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये व्हील चेयर उन्हीं की है? ये व्हील चेयर उन्हीं का है। अच्छा, ये व्हील चेयर जो उनका ही है मतलब? हाँ। तो अभी मतलब कैसे, मतलब घर की गुजर बसर कैसे चलती है? अब दो बच्चे घर पे हैं, फिर मांगने जाते हैं अपने आदमी को लेकर के बैठाल के व्हील चेयर पे। अच्छा, तो उसी पे घरों में जा कर के मांग लेते हैं, दो चार दस रुपये जो मिल जाता है उसी में गुजारा कर लेते हैं। अच्छा, वैसे मतलब यहाँ पे आपकी कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है? नहीं जी, यहाँ तो कोई नहीं, किसी ने आते नहीं पूछा हमसे। अच्छा, क्योंकि मैं एक दो बार यहाँ से निकल के गया हूँ ना स्टेशन के पास से, तो मैं यहाँ तीन चार महीने से पड़ी। अच्छा, तीन चार महीने आपको यहीं पे हो गए? ठंडी से, पूरी ठंडी हमने यहीं पे काटी। सर्दियों में भी मतलब ऐसे ही कैसे, मतलब ठंड लगती होगी, बड़ी परेशानी का सामना है ये देखा जाए तो? ठंड पड़ती थी, लेकिन घरों से जाते थे मांगने के लिए तो कमर कुमर मिल जाता था, तो उसी में गुजारा कर लिया। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ जी। क्या नाम है बेटा आपका? मुस्कान। मुस्कान नाम है? अच्छा, तो बताइए कितनी छोटी बच्ची है मतलब आपके साथ में, ये भी आपके साथ में परेशानी मतलब कब देखा जाए तो सामना? तो क्या करें जब कोई कमाने वाला नहीं है, कोई परेशानी? अभी दस दस पंद्रह दिन हो गया, तबीयत खराब हो गई थी, पीलिया भी हो गया है। पीलिया हो गया है आपको? जब पैसा नहीं है तो क्या करें, मजबूरी में बैठे हैं। अच्छा, कहीं जैसे दिखाया हॉस्पिटल में तो पैसों का? पैसा ही नहीं हुआ तो कहाँ दिखाएंगे जाके। तो दवाई वगैरह कुछ नहीं, बस ऐसे फिलहाल ले आते हैं स्टोर रूम से, एक दो गोली बस वही खा के गुजर बसर करना है। अच्छा, मतलब मेन दिक्कत ये है कि पैसों की वजह से आप इलाज भी नहीं करा पा रहे हैं? पैसे की वजह से इलाज नहीं हो पा रहा है, फिर जहाँ जाते हैं वहाँ पैसा लगता है। अच्छा, मतलब ज़्यादातर ऐसे लोगों से मिलते हैं जैसे कि मतलब कोई अगर परेशानी में है तो जो भी कोशिश मतलब हमसे होती है छोटी मोटी, तो वो हम करते हैं। अगर मैंने आपको देखा था तभी, मतलब ऑलरेडी मैं ये फ्रूट वगैरह, ये सामान कुछ खाने का है। बेटा ले, मुस्कान आप ही रख लीजिए। तो ये सामान मैं आपके लिए लाया था कुछ, और बाकी मतलब जो भी हमसे छोटी मोटी मदद हो रही है वो हम करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। और हाँ, ऊपर वाले से दुआ करेंगे, आप दुआ कीजिएगा हमारे लिए और अपने लिए भी। और हम ये चीज़ जो है ना, मतलब पब्लिक को दिखाएंगे, ऑडियंस को दिखाएंगे, जो भी अगर आपको सपोर्ट करेंगे तो हम आपसे दोबारा मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। इसे हाँ, हम थोड़ा पब्लिक को दिखाएंगे और उससे मतलब हेल्प की आपके लिए बोलेंगे। और इसमें थोड़े से जो भी आप पैसे हैं आप ये रख लीजिएगा, ठीक है? आप इससे जो भी हमारा मतलब छोटी मोटी मदद हम कर पा रहे हैं इसमें आप देख लीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा भी आपसे मिलूँ। मैं मतलब इस बात का मुझे बड़ा दुख है कि आप मतलब बीमारी हैं और आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं, क्यों? मुझे बहुत बुरा लगा ये बहुत। चलिए कोई नहीं, आपका कोई अकाउंट होगा? अगर आपका अकाउंट वगैरह डिटेल है वो हमें दे दीजिएगा। अभी अकाउंट वगैरह तो है नहीं, हम खुद ही, हम ऐसा कर देंगे कि अपनी वीडियो में नीचे हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहाँ से कोई भी अगर आपको कोई देना चाहेगा पैसे वगैरह तो वहाँ से दे सकते हैं, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। या लोग, पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी तो हम आपसे दोबारा मिल लेंगे, क्यों करण? आप यहाँ मिल जाएंगे, या मैं आपको अपनी जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा लिख के, आप दोबारा कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।
तो भाई आप जैसे देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनके हस्बैंड हैं, ये व्हील चेयर यहाँ पे लगी है। तो व्हील चेयर यहाँ पे लगी है जैसा कि आप देख सकते हैं, तो उनका भी मतलब देखा जाए तो वो एक तरीके से काम नहीं कर पाते हैं कुछ भी, क्योंकि उनकी कमर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये जो है, अभी मैं प्रेजेंटली रामपुर में हूँ, रामपुर के रेलवे स्टेशन के बैक साइड में हम, जहाँ पे कि एक फैमिली है जो कि मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। क्यों करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग। अगर कोई भी हेल्प करना चाहता है तो यहाँ पर आके मिल सकता है, या फिर अगर कोई पैसे देना चाहता है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जितना चाहो उतना कर सकते हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि रामपुर में जो अपना रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड के पास की बात है ये, और रेलवे स्टेशन के अपोजिट आप आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप यहाँ मिलकर इनसे इनकी मदद कर सकते हैं। और बाकी अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वहाँ आप इनकी मदद कर सकते हैं।